हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 27 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हमारे डिस्कशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आया है शत्रु संपत्ति बिल 2017 और शत्रु संपत्ति बिल 2018 में जो अमेंडमेंट संशोधन किए गए हैं उसके बारे में। तो इस आर्टिकल के दोनों पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि भाई क्या ये आर्टिकल है, क्या सारे पॉइंट आते हैं। तो इसमें मैंने जो इनेमिक प्रॉपर्टी बिल है ये इसके नाम से है, इसमें देखो ये प्रावधान किया गया है कि जो भारत आज़ाद हुआ था 1947 के टाइम पर, उस टाइम पर कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने भारत की नागरिकता को त्याग दिया था और वो या तो पाकिस्तान चले गए थे या फिर चाइना मतलब दुश्मन कंट्री में वो चले गए थे। तो उन कंट्री उनकी जो प्रॉपर्टी थी ना, उन लोगों की वो प्रॉपर्टी इंडिया में रह गई थी और उस प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं था। तो वो उनका मतलब जो भी उत्तराधिकारी हो गया तो उसका कोई राइट वगैरह नहीं बनता है उस संपत्ति पर। तो इसलिए उस संपत्ति को कहा जाता है शत्रु संपत्ति। तो उससे रिलेटेड अभी होम मिनिस्ट्री जो गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री ने उसने काफ़ी रूल रेगुलेशन निकाले थे, काफ़ी अमेंडमेंट वगैरह किए थे। तो अभी तक देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 9400 के आसपास इतनी प्रॉपर्टी हैं जो कि शत्रु संपत्ति के तहत आती हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि भाई इनको बेच के और गवर्नमेंट फंड है वो हासिल करेगी। तो गवर्नमेंट को अभी उम्मीद की जा रही है कि इस बार लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जो रुपए हैं वो इस प्रॉपर्टी को बेच के मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यूपीएससी पूछ सकती है कि इसमें इनेमी प्रॉपर्टी बिल या एक्ट के बारे में, तो ये ध्यान रखना है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे कुछ लोग थे जो कि भारत की नागरिकता जिन्होंने त्याग दी थी और वो पाकिस्तान और चाइना में जाके बस गए थे और वहाँ उन्होंने नागरिकता को ग्रहण कर ली थी। तो इसलिए उनके जो भी उत्तराधिकारी थे उनको इंडिया में कोई राइट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। उसके तहत जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो भी एक तरीके से शत्रु संपत्ति के तहत आती थी। तो पहले ये शत्रु संपत्ति थी एक्चुअली ऐसे ही प्रेरित रहती थी, इसका कोई मतलब वारिस वगैरह नहीं होता था। बट अभी गवर्नमेंट ने एक्ट वगैरह बना के इसको अपने अंदर ले लिया है और इसको बेचने की बात है वो की जा रही है। तो गवर्नमेंट को इसे फंड वगैरह हासिल है वो होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है माधवपुर मेला के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है माधवपुर मेला क्यों न्यूज़ में है। देखो बात ऐसी है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, वो था एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो जो गवर्नमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है कल्चर मिनिस्ट्री का जो प्रोग्राम चला था ना एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि भाई जो हमारे देश में जो भी स्टेट या यूनियन टेरेटरीज है ना उसके बीच में बाउंडिंग है ना, जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब आपस में रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करना है, कल्चरल रिलेशन को इम्प्रूव करना है, एजुकेशनल रिलेशन हुए या फिर जो ट्रेडिशनल इन चीज़ों का इनको फोकस करते हुए हमारे देश में जो यूनिटी है उसको आगे बढ़ाना है। तो इन सब के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट लाया गया था और उसके तहत ये प्रावधान किया गया था। और दूसरा कि एक स्टेट के लोग हैं वो दूसरे स्टेट में जाएंगे और आपस में एक्सचेंज वगैरह करेंगे, कोलैबोरेशन होगा जिसकी वजह से एक दूसरे स्टेट की जो बातें हैं वो जानेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हुआ था हरियाणा और तमिलनाडु के बीच में, तो तमिलनाडु के लोग हरियाणा में आए थे, उन्होंने यहाँ के कल्चर को जाना था, फिर वो दूसरे स्टेट जैसे हरियाणा के लोग हैं वो तमिलनाडु के, उन्होंने वहाँ के कल्चर को जाना। इसके साथ ही अभी जो किया गया वो किया गया गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो माधवपुर मेला है वो एक्चुअली गुजरात में आयोजित किया गया है और ये मेनली एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो प्रोग्राम था उसके तहत इसका आयोजन है वो किया गया है। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है जिसका नाम है मिसमी ट्राइब, मिसमी। तो ये ध्यान रखना है वहाँ पर मिसमी की पहाड़ियाँ भी हैं, ये यूपीएससी पूछ सकती है प्रीलिम्स में। तो मिसमी की जो ट्राइब है वो भी इसमें शामिल है वो होने वाले। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिसमी ट्राइब को इसमें इंक्लूड हो क्या गया है। तो यूपीएससी ट्राइब के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछती है तो वहाँ पर भी ये पॉइंट है वो बन जाता है। अब देखो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट का वो मैनली सरदार पटेल का 140वां बर्थडे था लास्ट ईयर, उस टाइम पे इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग है वो की गई थी। क्यों की गई थी इसका मैंने भी बताया कि यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, भारत की जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, आपस में रिलेशंस को इम्प्रूव करना है स्टेट और यूनियन टेरेटरी के बीच में, तो उन सब के लिए इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रिंट बैनल इंडिया 2018 के बारे में। तो देख लेते हैं कि प्रिंट बैनल इंडिया 2018 है क्या। यह देखो एक पहला इंटरनेशनल एग्जीबिशन है ग्राफिक प्रिंट्स का, मतलब ललित का जो अकेडमी है इंडिया की उसके द्वारा इसको होस्ट किया गया है क्या भाई। ये इंडिया की पहली इंटरनेशनल प्रदर्शनी है जिसमें ग्राफिक जो प्रिंट होते हैं ना, ग्राफिक डिजाइन प्रिंट्स वगैरह, उनको एक्चुअली प्रमोट है वो किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, पहली इंटरनेशनल एग्जीबिशन है ग्राफिक प्रिंट्स के लिए, कौन किसने होस्ट किया, वो होस्ट किया है ललित कला अकेडमी ने। अब देखो बात ऐसी है कि ललित कला अकेडमी के बारे में हम देख लेते हैं, ये बॉडी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ललित कला अकेडमी है, इसका दूसरा नाम है वो है नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स। यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1954 में बना था। तो यूपीएससी की बार पूछ लेते कि भाई आज़ादी से पहले वगैरह, तो ध्यान रखना कि नहीं आज़ादी के बाद बना था।
काम क्या है इसका? इसका काम यह है कि इंडिया के जो भी इंडिया का जो भी एक तरीके से जो है ना प्रिंटिंग वगैरह जो भी आर्ट वगैरह है एक्चुअली जो इंडिया की मतलब एक तरीके इस तरह की जो पावर हो गई ना आर्ट वाली पावर हो गई या फिर प्रिंट या कोई ग्राफिक वगैरह ऐसी डिज़ाइन उसको फॉरेन कंट्री में जाके प्रमोट करना चाहे प्रदर्शनी के थ्रू करना या फिर कोई भी रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम चलाना या फिर इसके साथ ही कोई और भी जैसे प्रोग्राम चला दिया दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पर जैसे कोई एक तरीके से शोरूम वगैरह टाइप से कुछ भी मतलब प्रदर्शनी या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो या फिर इसके साथ ही स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करके या कोई भी अन्य मेथड है उनके द्वारा इंडिया की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आगे प्रमोट करना है बाकी कंट्रीज़ में ले जाके, तो ये ध्यान रखना है। और इसका जो फंड है वो आता है कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये चीज़ कुछ बेसिक चीज़ है वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि देखो भारत के जे एस राजपूत जो कि मेनली एन सी आर टी के एक्चुअली फॉर्मर डायरेक्टर हैं उनको एक्चुअली अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को है वो इंडिया की तरफ से अपॉइंट है वहाँ पे किया गया, मतलब नॉमिनेटेड उनको किया गया है, ये इस कंटेक्स्ट है। तो कंटेक्स्ट वगैरह आप थोड़ा इतना देख लेना, एक बार बेसिक आपको मैंने बता दिए। अब बात ऐसी है कि जो एन जे राजपूत है इनको अपॉइंट किसने किया, इनको नॉमिनेटेड किया गया वो क्या गया एच आर डी मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यू पी एस सी स्टेटमेंट में इस पर पूछ सकती है। अब देखो बात ऐसी है कि ये तो कंटेक्स्ट डिस्कस कर लिया, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं भाई एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को ये है क्या सीन। यूनेस्को को देखो हमें पता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में तो काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि एमएलए पीस के लिए काम करता है, एक तरह से पीस स्थापित करना है और बाकी कंट्रीज में लड़ाई वगैरह हो सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं, साइंटिफिक क्षेत्र में भी रिसर्च करना साइंस के साथ साथ कॉरपोरेशन और सहयोग वगैरह को बढ़ाने के लिए इसका काम हो क्या है और यूएन की स्पेशल एजेंसी है, तो यह चीज आपको बेसिकली थोड़ा पता होगा। चलो आप ये बताओ कि यूनेस्को कब बनाया गया था। अब आगे देखते हैं एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है ना यह एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन है यूनेस्को का, मतलब एक तरीके से भी आप बोल सकते हो कि यूनेस्को का एक संविधान एक तरीके से है, आप इसे संविधान के तरीके से बोल सकते हो। और इसमें जो मेंबर होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं वो एक्चुअली जनरल कॉन्फ्रेंस होती है उसके द्वारा उनको इलेक्शन प्रोसीजर होती है और इनका जो कार्यकाल होता है ना वो 4 साल के लिए होता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और टोटल इसकी 58 सीटें हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव बोर्ड में टोटल 58 मेंबर्स होते हैं। काम क्या होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनने का। काम इसका ये होता है कि यूनेस्को का जो भी बजट वगैरह होता है ना इसके लिए इसके सारे बजट वगैरह को एग्जामिन करना, इसके साथ ही बजट का अनुमान वगैरह लगाना, और मेन बात आप एक तरीके से बोल सकते हो कि यूनेस्को की जितने भी पॉलिसी प्रोग्राम्स या जो भी होती है ना नई पॉलिसी बनी है या कोई और प्रोग्राम बना है उन सबको एक्चुअली है रिस्पॉन्सिबल है उन सबको बनाने में हेल्प है वो करता है, तो ये ध्यान रखना कि मेन ऑर्गन है जो कि यूनेस्को की पॉलिसी वगैरह बनाने में काम है हेल्प करता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना कि भाई यूनेस्को की एक तरीके से आप बोल सकते हो आन बान शान, इसलिए तो इसको बोला कि यूनेस्को का कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आगे। आगे एक छोटी सी न्यूज़ है वो आई है डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो यार देख लेते हैं इसके बारे में, आजकल एक दो दिन आर्टिकल में लगातार है। तो देखो डाउन सिंड्रोम है इसका दूसरा नाम है वो है ट्राइसोमी 21, तो यह भी ध्यान रखना आपको कि ट्राइसोमी 21 क्या है और या डाउन सिंड्रोम दोनों नाम आ सकते हैं। यह देखो मेरे लिए एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब एक आनुवंशिक बीमारी है। अब इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि देखो हमारी बॉडी में क्या होते हैं टोटल आपको पता है कि जब भी नई बॉडी का निर्माण होता है तो उसमें 23 जो क्रोमोसोम है वो आते हैं मेल से और 23 जो क्रोमोसोम होते हैं वो है फीमेल से, बट कई बार क्या होता है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है कुछ किसी कारण उसकी जो क्रोमोसोम है ना उनकी संख्या टोटल देखो होनी चाहिए 46 बट हो जाती है 47, मतलब एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उस कंडीशन में डाउन सिंड्रोम है हो जाता है। इसमें एक्चुअली माइंड वगैरह का डेवलपमेंट वो नहीं हो पाता और बॉडी की ग्रोथ वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो ये इसको लेके कंटेक्स्ट है तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं आगे। आगे एक छोटी सी स्कीम के बारे में है वो देख लेते हैं, वो है सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम के बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा, बता रहा हूँ सरेंडर कम जो रिहैबिलिटेशन स्कीम है ना ये है मेनली नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो नक्सलवादी है ना उसको कम करने के लिए। अब देखो बात ऐसी है नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो कुछ नक्सलवादी एरिया काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभाव वहाँ पर बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो लोग नक्सलवादी में नए जो मिलिटेंट्स या नए जो आतंकी लोग बन रहे हैं ना वहाँ पर उनको रोका जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ये कर रही है कि भाई स्कीम चलाए कि भाई आप नक्सलवादी या जो भी लोग हैं उनको बोल रही है कि भाई आप आत्मसमर्पण कर दो हम आपको वापस से रिहैबिलिटेट वगैरह करेंगे और हम आपको फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखो मेन बात ऐसी है कि जो नक्सलवादी है ना वो कुछ रीजंस की वजह से तो वहाँ पर नक्सलवाद के रूप में बने हैं, मतलब उनकी डिमांड पूरी नहीं की है उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखो मेन इशू यही है कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया ना उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया था स्टार्टिंग में जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी स्टार्टिंग में, इसलिए वो लोग हैं उनको ऐसा लगा कि यार हमारे तो रिसोर्सेज हैं और हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट वगैरह
वगैरह नहीं करी है। तो इसी माहौल में वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पे नक्सलवादी एरिया वो बढ़ने लग गया और लोग वो मिलिटेंट्स ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने लग गए। तो अभी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया कि भैया आप सरेंडर कर दो, हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, हम आपको बेसिक फैसिलिटी डेवलपमेंट वगैरह वहाँ पर करेंगे ताकि आप एक तरीके से मानवता के रास्ते पर चलिए और लोगों को जान को नुकसान वगैरह ना पहुँचे। तो यह गृह होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया गया इस स्कीम को, और इसके तहत होम मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई जो गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई थी ना वो भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो इसमें अहम रोल निभा रही है। क्योंकि देखो एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है इससे नॉर्थ ईस्ट के एरिया का डेवलपमेंट है वो होगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को फायदा है वो होने वाला है। तो ये कुछ जो बेसिक न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस के लिए, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। ये डाउन सिंड्रोम के बारे में था जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो जीन्स है उसका डिसऑर्डर एक एक्स्ट्रा जीन आ जाता है, इसको मेनली ट्रिसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, अब हम देख लेते हैं आज ये कुछ क्वेश्चंस। आज का आपको क्वेश्चन है वो बताना है पहला राइज स्कीम के बारे में। देखो कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे, आप कुछ लोगों ने भी आंसर वो नहीं प्रोवाइड करें, तो प्लीज़ आप आंसर वो या तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर आप आंसर उनको डेली क्लियर कर लीजिएगा। तो आपको बताना है कि राइज स्कीम के बारे में कि भाई राइज स्कीम किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि है जो भी नए स्टार्टअप हैं यूथ वगैरह को लिए उनको फाइनेंशियल एड देने के लिए। दूसरा ऑप्शन है वो है कि देश के प्रमुख जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना उनको एक्चुअली रिसर्च वगैरह के देने के लिए या बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई है। तीसरा ऑप्शन वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह है उनको प्रोत्साहित करने के लिए। चौथा है वो है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है। देखो जो तीसरा स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट था सॉरी वो बिल्कुल सही है, वो ये था कि जो हमारे देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं उनको उनमें रिसर्च वगैरह को प्रमोट करने के लिए राइज स्कीम है वो आई थी, क्योंकि हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है उसको गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए जिस स्कीम को है वो लेके आई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। आई होप इसके बारे में आपको पता होगा, IASA के बारे में, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है इसके बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट ही है कि इसमें जो मेंबर है ना इसके मतलब जो अलायंस है इसके वो है एक्चुअली कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं, ये जैसे होगी हमारी कर्क रेखा और ये होगी हमारी इक्वेटर और ये होगी मकर रेखा। तो हम लोग कर्क रेखा और जो मकर रेखा के बीच की जो सारी कंट्रीज आती हैं वो इसके गठबंधन है या वो इसके अलायंस है। पहला स्टेटमेंट तो ये है। सेकेंड ये है कि है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। तो आपको बताना कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर आपको मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अब ये थी हमारी डिस्कशन। देखो फिलहाल की डिस्कशन में आज इतना ही है, और एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आज का जो द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन है वो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे किसी कारणवश कहीं जाना है जयपुर, तो सडनली आज डिस्कशन नहीं हो पाएगी। तो सॉरी फॉर दैट। और अभी की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।